जनपदप्रयाग में 34वें सड़क सुरक्षा माह के तहत पुलिस के साथ स्वयंसेवियों द्वारा भी आम जनमानस को यातायात नियमों का पालन करने के लिए जागरूक किया जा रहा है, जिसमें स्कूली छात्र छात्राएं भी ट्रैफिक पुलिस के साथ सड़कों बाजारों में मदद कर रहे हैं। वहीं यातायात निरीक्षक श्याम लाल ने कहा है कि 15 जनवरी से 14 फरवरी तक 34वां सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है। इसमें सभी वाहन चालकों से लेकर आम जनमानस को यातायात नियमों का पालन करने, सड़क पर कैसे सुरक्षित चलें आदि जानकारी भी दी जा रही है। इधर सड़क सुरक्षा को लेकर इस बार युवाओं में भी उत्साह दिख रहा है, जिसमें स्कूली छात्र छात्राओं द्वारा भी यातायात पुलिस के साथ मिलकर विशेषकर युवा वाहन चालकों को सुरक्षा के साथ साथ ओवर स्पीड, शराब पीकर वाहन न चलाने, दो पहिया वाहन में हेलमेट पहनने, सीट बेल्ट पहनने, वाहन चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल न करने के बारे में बताया जा रहा है। उत्तराखंड समाचार के लिए सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। मेरा नाम संतोष कुमार और मैं कार्यक्रम अधिकारी अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज रुद्रप्रयाग से। तो ये जैसे कि आप बैनर देख रहे हैं, यातायात पुलिस जनपद रुद्रप्रयाग, तो ये ट्रैफिक पुलिस रुद्रप्रयाग, नेहरू युवा केंद्र रुद्रप्रयाग और NSS यूनिट, NCC यूनिट, AUGIC रुद्रप्रयाग और NSS यूनिट बेलनी, इनके संयुक्त तो एक कार्यक्रम जो चलाया जा रहा है यहाँ पर, ये सड़क सुरक्षा सप्ताह ये जो है हमारे 12 तारीख से चल रहा है और आज का जो है समापन है। यातायात पुलिस के द्वारा जो है इसको यहाँ पर इसका संयोजन किया जा रहा है इस कार्यक्रम का, और इसमें हमारे सभी जो NSS के वॉलंटियर्स हैं, NCC कैडेट हैं, इसमें बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करना, जैसे दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनना और दो से अधिक सवारी न बैठना, या कार चलाते समय सीट बेल्ट पहनना, ओवर स्पीड न करना, नशा करके जो है गाड़ी न चलाना, इस प्रकार से लोगों को ये जागरूकता अभियान जो है चलाया जा रहा है। इस वर्ष 34वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का आयोजन 15 जनवरी 2024 से 14 फरवरी 2024 तक इसका आयोजन किया जा रहा है। सड़क सुरक्षा की मुहिम को इस वर्ष की थीम हुई ए रोड सेफ्टी हीरो है। इसका आयोजन हमारे यातायात निदेशालय से प्राप्त निर्देशों के अकॉर्डिंग तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद रुद्रप्रयाग के निर्देशन के क्रम में 15 जनवरी से हम इसको मना रहे हैं। और ये हमारे जो है RTO विभाग हो गया, पुलिस यातायात पुलिस होगी, अस्पताल हो गया, ये 3-4 विभाग मिलके इस कार्यक्रम के आयोजन का समापन भी करेंगे और ये जो चालक हैं, ड्राइवर्स हैं, उनके जो है आई टेस्ट भी करेंगे, इनको जगह जगह हम प्रशिक्षण देंगे यातायात के नियमों के संबंध में, एवं स्कूल कॉलेजों में जाकर हम सभी को इसका यातायात के नियमों की भली भांति जानकारी देंगे, इसका प्रशिक्षण भी देंगे। और आज जो है हम इसका रैली निकाल रहे हैं, नेहरू युवा कल्याण विभाग के जो बच्चे हैं उनकी जो है हम रैली निकला रहे हैं, इस सभी को जो है यातायात के नियमों का पालन करने के संबंध में जागरूक कर रहे हैं, बार बार इनको बता रहे हैं कि 3 सवारी दोपहिया वाहन में न बैठे, हेलमेट का प्रयोग करें और मोबाइल का प्रयोग न करें, शराब पीकर वाहन न चलाएँ, मोड़ों पर ओवरटेक न करें और यह नाबालिग को वाहन न दें, इसमें पकड़े जाने पर 25,000 का जुर्माना है एवं अभिभावक को भी 3 साल की सज़ा है। और मतलब ट्रैफिक के पूर्ण पालन के संबंध में बार बार हम सभी को जो है जागरूक कर रहे हैं, सबको सलाह दे रहे हैं। धन्यवाद।